नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। था बहुत ही बढ़िया था। मूवी है एकदम, बोलो तो फास्टर मार दिया। टाइप की देशभक्ति फिल्म टाइप लगी आपको? नहीं, बिल्कुल नयापन है। न्यू मूवी विद द सेम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी का टीजर ट्रेलर सब कुछ अब आ चुका है। आज दिन के 3 बजे पर धमाका हो चुका है। फिल्म का बजट है 60 करोड़। दोस्तों, इसमें 50 करोड़ फिल्म की प्रोडक्शन खर्चा एंड स्टार कास्ट की फीस एंड 10 करोड़ है फिल्म की एडवर्टाइजमेंट बाय प्रमोशन प्लान धमकाना। अगर हम बात करें इस खतरनाक एक्शन पैक्ड नॉन स्टॉप बाय एक्शन वॉयलेंट एक्शन हवा में एक्शन ट्रेलर के बारे में, दोस्तों इसकी बेसिक कहानी में भाई यह समझ आती है कि अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने बाप के नक्शा कदम पे चलना चाहते हैं। वो उन्हीं की तरह भाई पुलिस फोर्स में आर्मी फोर्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहते हैं, ऐसा इसमें स्टोरी होने वाली, जो कि वो ठीक स्पेशल फोर्स में भी सेलेक्ट हो जाते हैं बट कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको भाई फोर्स से निकाल दिया जाता है। उन पर बदनामी का भाई गंदारी का टैग लग चुका है और आई थिंक वो देश छोड़ के जा रहे हैं प्लेन से, तभी भाई वही प्लेन हो जाता है हाईजैक। फिर भाई पुलिस के पास आर्मी के पास कुछ भी बेचारा नहीं बचा, उनको कहीं ना कहीं से पता लगता कि कैसे उसी प्लेन में उनका एक्स स्पेशल फोर्स वाला बंदा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है। अब वो कैसे उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे करते हैं गुजारिश कि आप प्लीज़ इस हाईजैक को भाई नाकामयाब साबित कर दो और सारे लोगों की जान बचा लो, हम आपकी जॉब वापस दे देंगे, ऐसा इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा भाई उस हाईजैक को बचा पाता है, बेसिक प्लॉट भाई यही है, कहानी यही है, स्टोरी लाइन यही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ओनली हाईजैक है, इसका मतलब ये भी है कि जब सिद्धार्थ मल्होत्रा उस हाईजैक को भाई नाकामयाब साबित करता है, लोगों को मारता है, तब उसको पता चलता कि कुछ रैंडम ऐसे ही प्लेन वाला हाईजैक नहीं था, इसके पीछे कुछ और ही कहानी, इसका असली मास्टरमाइंड कुछ और ही, जो कि पूरे हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है। एंड घूम फिर के भाई वही बात निकल के आती है कि फिर से पाकिस्तान का एंगल डाला गया है, बट इस बार भाई क्या है, इस बार इसमें 2 एक्ट्रेस में राशि खन्ना एंड अपनी हॉट एयर होस्टेज कौन दिशा पठानी, दोनों का बहुत ही कम दिया गया स्क्रीन टाइम। एंड इसमें एक डायलॉग भी था कुछ कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में, तो बेसिकली शाहरुख खान वाला इसमें पोज भी था, तो इसमें ह्यूमर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, कहानी भी है। एंड वो ऑब्वियसली इस फिल्म को शेरशाह वाले मेकर्स ने बनाया, तो वही वाइब वही आपको टोन आने वाली है। तो उम्मीद है कि 15 मार्च को भाई होली से ठीक पहले बढ़िया बढ़िया रंग बिखेरने वाली है फिल्म थिएटर में। आपका इस पर क्या रिएक्शन भाई, कि आपको उसमें क्या कमी लगी? भाई एक्शन में फुल है, फुल इसमें एक्शन है, डायलॉग बाजी है, रोमांस है, केमिस्ट्री, बस भाई बस दिक्कत एक बात की है कि फिर से वही पाकिस्तान वाला एंगल डालेंगे तो भाई कहीं ऑडियंस उसे पक कर ना जाए। यार कुछ और डाल दो भाई, चाइना डाल दो या फिर ईरान डाल दो या फिर कुछ और डाल दो भाई, बट नहीं, हमेशा पाकिस्तान। आपके इस पर क्या विचार हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें बात करेंगे योद्धा की, डेवन की, एड वॉच मेकिंग इंडिया की एंड ओवरसीज की। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर पक्का करें। आपको मौका समय भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की।